कैसे हैं आप सब। तो आज हो गई है 5 फरवरी और फरवरी स्टार्ट हो गई है। तो फरवरी आते ही ऐसा लगने लगता है ना कि जैसे सर्दियां ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी है, सुबह शाम वाली तो बहुत ही है अभी। और दिन में थोड़ा सा धूप निकल रही है तो थोड़ी सी राहत मिली है अब सर्दी से। और जैसे फरवरी आती है तो लगता है कि सारे स्वेटर उतार के अब रख दो पैक करके, क्योंकि बहुत 2-3 महीना हो जाते हैं स्वेटर पहनते पहनते, तो बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती है। और अब तो अभी स्वेटर पहनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चीखता है, कहता है कि अब ये नहीं पहनना, वो भी थक गया स्वेटर पहन पहन के। तो इस बार सर्दी भी काफ़ी पड़ी थी, अभी 2-3 साल से इतनी सर्दी नहीं थी जितनी इस साल पड़ गई है। और अभी हो सकता है अभी 6-7 दिन और सर्दी पड़े इस तरीके से। तो अभी तो हमारे यहाँ करीब 5-6 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, तो छत पर वगैरह भी थोड़ा बहुत सब चले जाते हैं धूप में, थोड़ा सा धूप लग जाती है बच्चों को भी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो मैं स्टडी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन काफ़ी अच्छे क्लासेस हैं, तो वही मैं बताना चाह रही थी कि काफ़ी लोग अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने चैनल चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत सलत पढ़ा रहे हैं और या फिर उनके पढ़ने के हिसाब से किसी का टेट पास नहीं होगा। ऐसे बहुत से चैनल हैं जो फेक भी हैं और बहुत से चैनल हैं जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ऐसा ही एक चैनल मेरे पास भी है, तो कई सारे से मैंने स्टडी की है, तो उसके बाद ही मैंने एक चैनल को देखा, वो है गुरुजी वर्ड। तो गुरुजी वर्ड जो है वो धीरज सर का है, धीरज सर इसमें पढ़ाते हैं। तो इसमें हिंदी, EVS और संस्कृत का काफ़ी अच्छा दे रखा है, और मैथ वगैरह भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ इसी से ही। ऑनलाइन क्या, मुझे थोड़ा सा शाम को ही टाइम मिल जाता है, जैसे कि 5:30 से 6:30 या 6 से 7, बस इतना ही मुझे टाइम मिल पाता है पूरे दिन भर में। तो 1 ही घंटा भी मुझे लगता है कि काफ़ी है, अगर मैं अच्छे से मेहनत से और मन लगाकर अगर 1 घंटा भी पढ़ा जाए तो अच्छे से हम कर सकते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने कुछ बुक्स भी ली थी दो, थोड़ी सी हेल्प के लिए, तो वो इस तरीके की है, मैं सोच रही थी आप सबको दिखाना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं BEd करे हुए हूँ, तो BEd के लिए सेकंड पेपर एलिजिबल था अभी तक के लिए, जैसे कि जूनियर में हम लोग डाल सकते थे, प्राइमरी का नहीं डाल सकते थे। तो लेकिन अब 2 साल से हम लोग प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो गए, प्राइमरी का भी हम लोग टेट जो है वो दे सकते हैं, मतलब कि 1 से जो 5 तक की क्लास है उसके लिए भी हम टीचर बन सकते हैं। पहले जो था वो BEd वाले केवल 6 से 8 तक के लिए ही टीचर बनने के लिए पात्र थे। और ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं, UP TET के लिए फर्स्ट पेपर के लिए है। तो अभी मैं, ये है अग्रवाल की, तो इस बुक में अच्छा मटेरियल दे रखा है। अभी मैंने ज़्यादा इसमें पढ़ा नहीं है, केवल 2-3 बार ही पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ। मुझे उन सर का जो है वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से वो क्लियर कर रहा है, तो मुझे जो टाइम मिलता है आधा पौन घंटे का, कोई वीडियो उनका 25 मिनट का होता है तो वो मैं देख लेती हूँ, कोई 20 मिनट का होता है, कोई आधे घंटे का होता है, कोई 1 घंटे का भी होता है। तो फिर मैं उस हिसाब से डेली 1-2 वीडियो तो उनके देख ही लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मेरा हो रहा है तैयार। और फिर देखते हैं, अभी तो टाइम है UP TET का पेपर के लिए, अरे करीब अभी 1-1.5 महीना तो है ही आराम से, क्योंकि अभी कोई फॉर्म नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब पेपर होगा, कब क्या होगा, अभी दूर दूर तक तो कोई आता पता नहीं है इसका, क्योंकि पेपर हमेशा इसमें लफड़ा होता रहता है, कुछ ना कुछ पोस्टपोन्ड होता रहता है। सबसे पहले था 28 फरवरी को, उसके बाद फिर ये पोस्टपोन्ड हो गया कि अब मार्च में होगा, उसके बाद 7 मार्च को होना था, अब मार्च में भी नहीं है, तो देखते हैं अब अप्रैल में हो सकता है, ये अप्रैल में ही हो पाएगा पेपर। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट पेपर के लिए जो होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, हम 5 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। उसमें क्या हो जाता है, इसमें 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि मैथ हो गया, बाल विकास जो हमारा BEd का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, EVS पर्यावरण से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है संस्कृत और इंग्लिश में। तो मेरे पास संस्कृत है, मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया था, इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती है, और मतलब मेरा जो वीक सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है, पता नहीं क्यों मुझे इंग्लिश कम पसंद है, तो जो मेरा वीक सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश मैंने छोड़ दिया, संस्कृत ले रखा है। और एक हो जाता है हिंदी, तो हिंदी, संस्कृत, EVS और बाल विकास, मैथ्स, यही मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट को मिला के ही जो है वो टेट का पेपर बनता है। और उसके बाद इसमें होते हैं 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से आपको जो है वो पासिंग मार्क्स वो 55% लाने हैं, और उसके बाद 55% जो 150 का होता है वो होता है 82 मार्क्स का, तो 82 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए इसमें। उसके बाद ऊपर आप चाहे जितने भी लाए वो अच्छी बात है। तो पिछली बार मेरे 80 थे और मैं
और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मेरे कम से कम 150 में से 90 तो आ ही जाए। ज़्यादा की तो मैं अभी नहीं उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन अगर 90 आ जाते तो मेरा जो वो टैट का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड होगा सुपर टैट का, उसके बाद फिर मुझे 150 नंबर का वो क्लियर करना है। 150 में से उसमें भी मुझे करीब 90, 95 या 100 तक नंबर लाना है। उसके बाद ही मेरे दोनों एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही मैं वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो फिलहाल मेरा फर्स्ट राउंड ही है, अभी मुझे फर्स्ट राउंड निकालना है और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार निकल जाएगा अगर पेपर अच्छा आ गया तो। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर इतना हाई लेवल का दे देते हैं कि उसमें कुछ मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही हो जाता है वो एक तरीके से, कि उसमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और क्या हमें आंसर देना है। एक बुक मैंने आपको दिखा दी है और दूसरी बुक है ये मेरी संस्कृत की, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और ये अग्रवाल की ये भी है। इसमें संस्कृत के लिए मुझे अलग से लेना पड़ा है क्योंकि जो मेरी ये वाली जो बुक है इसमें ऑल सब्जेक्ट दे रखे हैं लेकिन इसमें इंग्लिश दे रखा होता है जो हम ऑल सब्जेक्ट की बुक लेते हैं एक ही, तो इंग्लिश की जगह हम मुझे संस्कृत चाहिए थी तो फिर मुझे अलग से ये बुक लेनी पड़ी। तो ये बस दो ही बुक मैंने ली है और इन्हीं दो बुक के भरोसे ही मैं हूँ। अगर ये दो बुक भी मैं अच्छे से तैयार कर लेती हूँ तो आई होप मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा और फर्स्ट राउंड मेरा निकल जाएगा। उसके बाद मैं सेकंड राउंड के लिए तैयारी करूँगी। उसका पूरा जो है सिलेबस बिल्कुल चेंज है फर्स्ट राउंड से, मतलब कि टेट से सुपर टेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज है। तो पहले मैं वहाँ तक पहुँचूँ, उसके बाद मैं आपको सुपर टेट के जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो उसके बारे में बाद में बात करूँगी। फिलहाल तो मैं ये फर्स्ट राउंड की तैयारी कर रही हूँ और मैंने आपको बता भी दिया इसमें क्या क्या सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि EVS हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, पर्यावरण हो गया और बाल विकास हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं मेरे पास। इसमें 30-30 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से, तो 30 में से मैंने पिछली बार जो है वो मैथ में 19 क्वेश्चन कर लिए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे 30 में से 19 क्वेश्चन मैथ के हो गए। इस बार देखते हैं कि मैथ का कैसा आता है पार्ट, और बाकी पार्ट जो है वो हिंदी और EVS में मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि 30-30 क्वेश्चन इसके होंगे तो 60 नंबर का, अगर 60 में से मैं 50 क्वेश्चन भी कर लेती तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छा हो जाएगा मेरा पेपर। तो उस हिसाब से मैं लेकर चल रही हूँ कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है आप उसमें तैयारी ना करें मेरे हिसाब से, और जो बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि 5 सब्जेक्ट हैं और 5 में से आपका एक वीक सब्जेक्ट है तो आप वीक सब्जेक्ट को छोड़ के आप अगर 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल सकता है मेरे हिसाब से। और क्योंकि हम अगर वीक सब्जेक्ट के पीछे ही पढ़े रहेंगे तो शायद हम अपने जो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से नहीं तैयार कर पाएंगे, और उसमें अच्छी कमांड अगर हो जाएगी तो अगर हम 25-25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं 5 सब्जेक्ट में से तब भी हमारा 100 हो जाएगा। और बस यही मैं अपनी तैयारी कर रही थी और इस तरीके से अपने नोट्स वगैरह बना रही थी। ये मैंने नेट से मंगाया था, ये 5 है इस तरीके से, तो मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग ये पैड है तो उसी हिसाब से मैं इसमें लिख रही हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो भी मैं वीडियो से देखकर पढ़ती हूँ, तो मैं सारे इस पे नोट्स बना रही हूँ अपने, क्योंकि मैं नोट्स बना कर ही पढ़ पाती हूँ। मैं जब तक अपने खुद से हाथ से नहीं लिखती तब तक मुझे याद नहीं होता, तो मैं पहले अपने हाथ से लिखती हूँ वही चीज़ मुझे एकदम से जो है वो दिमाग में फीड हो जाती है। बिना लिखे मुझे कुछ भी याद नहीं हो पाता कि मैं एकदम से जैसे वीडियो देखूं और फिर मैं उसे हटा दूं, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पेन कॉपी लेके बैठे वीडियो को देखें और उसमें से जो आपको नहीं आता वो आप नोट करें, जो आता है तो अच्छी बात है। तो बस इसी तरीके से मैं फ़ोन से ही पढ़ रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरी पढ़ाई जो स्टडी है वो किस तरीके से हो रही है। तो गुरुजी वर्ड है चैनल का नाम, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर वो। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप गुरुजी वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। काफ़ी वो डीपली भी पढ़ा देते हैं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है उनका। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, और आज 5 फरवरी थी तो अब जो फेस्टिवल है वो 16 फरवरी को होगा बसंत पंचमी का, और हमारे यहाँ मेला भी लग गया है, करीब 8-10 दिन हो गए मेला लगे हुए, तो अभी देखते हैं कि कब जाना होता है वहाँ पर। जिस दिन छुट्टी वगैरह पड़ेगी, मूड बनेगा, धूप वगैरह निकलेगी, उसी दिन एक बार एक राउंड जरूर लगना है वहाँ का भी। और बस इस वीडियो में इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे दोस्ती करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी नया प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ तो भी आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ मैं, जैसे कि मैं फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, और जो है वो अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी फ्लिपकार्ट से ही, मार्केट वगैरह जाना नहीं हो रहा था, मैंने आपसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी शेयर किए हैं। तो
इस तरीके से मैं अपनी जो है कोई अच्छी सी कोई रेसिपी भी बनाती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। आप जो लोग देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं किस तरीके की वीडियो डालती हूँ। तो अभी तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी। तो करीब मुझे 15-20 मिनट पहले से मैं पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मेरे पास बस आधा घंटा ही बचा है, उसके बाद फिर मेरा टाइम हो जाएगा काम का, डिनर वगैरह तैयार करने का। तो मिलते हैं किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।